आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद का नंबर वन न्यूज एनालिसिस चैनल। माध्यमिक शिक्षा परिषद का बढ़ता कद सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों के लिए खतरे की घंटी। खबर जनपद भदोही से है, जहां आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता हेतु जनपद के समस्त ब्लॉकों ज्ञानपुर, औराई, भदोही, सूर्यावा, डीग तथा अबोली स्थित बीआरसी पर ब्लॉक स्तरीय 4 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न शिक्षण कौशल के बारे में शिक्षकों को अवगत कराया गया। बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। सूबे में योगी बाबा की सरकार है, ऐसे में माध्यमिक शिक्षा परिषद की शिक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवाल का माकूल जवाब इस समय जनपद भदोही में बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की अगुवाई में लगातार दिया जा रहा है। जनपद में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिखेगा। बताते चले कि माध्यमिक विद्यालयों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई कर बेहतरीन शिक्षक चयनित होकर आते हैं, जबकि सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों की स्थिति इस समय जनपद भदोही में बद से बदतर है। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के ज्यादातर मालिक केवल अपना फायदा बनाने में लगे हैं। ऐसे में एक मोटी रकम वसूलने के लिए शिक्षा के नाम पर महंगी किताबें व अन्य तामझाम की व्यवस्था का दिखावा करते हैं, जबकि परिषदीय विद्यालयों में बच्चे की मनोदशा का पूरी तरह से विकास होता है। लगातार इस बात पर भी सवाल उठते रहे हैं कि जितना किसी बच्चे का कद होता है, उससे ज्यादा सेल्फ फाइनेंस में पढ़ने वाले बच्चों के कंधों पर किताबों का बोझ होता है। ऐसे में बच्चे कुछ हद तक रट्टा मार प्रणाली द्वारा ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका सही मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में लगातार गुणवत्ता में सुधार इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि जल्द ही आने वाले समय में सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों के लिए स्कूलों में बच्चों को जुटा पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। वहीं एबीएस से ज्ञानपुर यशवंत सिंह ने बताया कि लोग केवल घर बैठे बैठे परिषदीय विद्यालयों का आकलन कर लेते हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि एक बार कुछ महीनों के लिए बच्चों को स्कूल भेजें और उसके बाद बच्चों में आने वाले सुधार का आकलन करें। आपको परिषदीय विद्यालयों में दी जाने वाली वास्तविक सुविधाओं का ज्ञान हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि अभिभावक बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के बजाय सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों की चकाचौंध में उलझकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का सभी को 1 से 8 तक का मुफ्त और गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का सपना तभी साकार हो पाएगा जब आम जनमानस सरकार की इस मुहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफल बनाएगा। उक्त अवसर पर डॉक्टर प्रभात रंजन, प्रतीक मालवीय, संदीप कुमार दुबे, योगेश कुमार मौर्य, संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर पूजा मिश्रा, सर्वेश कुमार यादव, रविंद्र कुमार पांडे, अरविंद कुमार पांडे व अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। कि यह बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FNL करके एक कार्यक्रम है हमारे यहाँ ट्रेनिंग का, जो 4 दिवसीय ट्रेनिंग है और ये प्राथमिक विद्यालयों के सारे अध्यापकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना है। इसमें खास करके बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चे भाषा कौशल और गणित के बुनियादी कौशलों को सीख सकें और उनको किस प्रकार से सीखने में मदद किया जाए। ये 4 दिन का हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। प्रोजेक्टर पर हम इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामग्री है उसके माध्यम से PLM कैसे निर्माण कराया जाए, और हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो ARP हैं और उनके द्वारा एक बैच की 4-4 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। सर, ये सरकारी स्कूलों का और प्राइवेट स्कूलों का जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है जी, और उसमें इस बार देखा गया है कोरोना काल के बाद कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का मतलब बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की तरफ ज़्यादा माइग्रेट हुए हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक तो मैं कहूँगा कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से पढ़ाई गुणवत्ता बढ़ी है, जिस तरह हमारे अध्यापक मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम लोग अपने कोर्स को पूरा करने के लिए जो कोविड काल में हम लोग मोहल्ला क्लासेस चलाते थे, ऑनलाइन कक्षाएं चलाए, हम लोग सामग्री प्रेषित करके बच्चों को पढ़ने में मदद कराए, इससे ग्रामीणों में हमारे जो अभिभावक हैं उनमें बड़ा विश्वास जगा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे प्रशिक्षित अध्यापक हैं,
और अच्छी ट्रेनिंग लेकर के हमारे अध्यापक हैं और वातावरण इतना बढ़िया बनाया गया है, कायाकल्प के माध्यम से हर विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिजली की सुविधा उपलब्ध है, शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है, फर्नीचर की बहुत जगह सुविधा हमारी उपलब्ध हो गई है, ग्राम पंचायतों ने अच्छा कार्य किया है और भी कार्य हमारे हो रहे हैं, तो इससे विद्यालय का भौतिक वातावरण और शैक्षिक वातावरण दोनों बेहतर हुआ है और इससे गार्जियन हमारे आकर्षित हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। आज भी कुछ लोगों के बीच एक धारणा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सुविधाओं की जहाँ तक आप बात करेंगे, हमारे परिषदीय विद्यालय अगर 10-15 साल पहले की स्थितियों को देखा जाए तो मैसिव चेंजिंग है, बहुत ही शानदार तरीके से कार्य हुए हैं, चाहे उनके प्रांगण के सुसज्जीकरण का कार्य हो, मिट्टी भराई से लेकर के टाइल्स लगाना, कक्षाओं में पंखे लगाना, प्रोजेक्टर कई विद्यालयों में हमारे हो गए हैं, हमारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलने लगे हैं और वो दिन नहीं रहा अब परिषद के लिए, कायाकल्प के कार्य लगातार हो रहे हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे जिलाधिकारी महोदया द्वारा, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा लगातार इन पर प्रयास किया जा रहा है, कायाकल्प के 19 पैरामीटर जो हैं वो हमारे हर विद्यालय में संतुलित हो जाए और वो 19 पैरामीटर पर हमारे 15 से 16 विद्यालय आज की डेट में संतृप्त हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही शेष विद्यालय भी संतृप्त होने की स्थिति में, तो निस्संदेह तस्वीर बदली है और लोगों को विश्वास जगा है। हिंदी इंग्लिश मीडियम का एक जो लोगों के अंदर भ्रांति रहती है, तो अभी जो प्रसिद्ध विद्यालय है उसमें भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल आ गए हैं। बिल्कुल जी, तो उसके बारे में लोगों क्या समझते हैं? हमारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय ऑलरेडी रन कर रहे हैं और उसमें किताबें भी दी जा रही हैं, हमारे जो हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं हम उन विद्यालयों में भी अंग्रेजी की इतनी बेहतर शिक्षा के लिए इतना बढ़िया पाठ्यक्रम है, आप देखेंगे कि वो अपने आप में पर्याप्त है कि माध्यम भले ही हमारा हिंदी हो और हम जैसा कि शासन का और नई शिक्षा नीति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो निर्देश है कि बच्चों को उनके बुनियादी साक्षरता बुनियादी शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, तो हम इस पर भी ज़्यादा बल दे रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के जो पहले चयनित विद्यालय हैं वहाँ उस अनुरूप पढ़ाई हो रही है, बाकी विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष बल दिया भी जा रहा है, हमारे बच्चे दोनों भाषा अच्छी तरह सीख रहे हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।